तो वहीं किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। किसानों का एक बार फिर से दिल्ली कूच का बड़ा ऐलान। किसानों के ऐलान के बाद शासन प्रशासन अलर्ट है। बैरिकेडिंग और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम प्रशासन की तरफ से मुकम्मल कर लिए गए हैं। प्रशासन ने सभी से बिना अनुमति के आंदोलन में भाग ना लेने की अपील की है। तो 13 फरवरी को कूच करने वाले हैं किसान। दिल्ली कूच का ऐलान कर चुके हैं किसान। उसके बाद प्रशासन हरकत में है। बॉर्डर्स पर हलचल तेज हो गई है। प्रशासन ने बिना अनुमति के आंदोलन में भाग ना लेने की अपील लोगों से की है। अब ऐसे में एक बार फिर से जो प्रशासन है मोर्चा संभाल चुका है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। जवानों की तैनाती की जाएगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से बॉर्डर्स पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। प्रदेश के जो बॉर्डर्स हैं उन पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। राघव विज हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं अंबाला से ज्यादा जानकारी के साथ। राघव, किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली कूच का ऐलान किया है, क्या कुछ ताजा अपडेट, प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा, किसानों ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया है। पिछली बार की तरह कोई चूक ना हो इसके लिए पुलिस ने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। अंबाला के अगर शंभू बॉर्डर पर पुलिस अधिकारी की बात करें तो वो समय समय पर निरीक्षण कर रहे हैं। खुद अंबाला के डीसी डॉक्टर शालीन कल अंबाला के एसपी के साथ मौके पर मौजूद थे और एनडीआरएफ की टीम भी जो है वहां पर मौजूद है। ताजा अपडेट ये है कि बैरिकेडिंग कर दी गई है वहां पर। किसी भी तरह जो है उनका ये कहना है 1500 किसानों को यहाँ पर एंटर नहीं करने दिया जाएगा। बिल्कुल राघव, देखिए रूट डायवर्जन को लेकर भी जानकारी सामने आई है क्या? क्योंकि ऐसे में बॉर्डर्स को अगर इस सुरक्षा के मद्देनजर बैरिकेड कर दिया गया है तो जो पंजाब से दिल्ली आने वाले राहगीर हैं उनके लिए क्या रूट डायवर्जन प्लान लागू किया गया है क्या? सर, उनके लिए रूट डायवर्जन की अगर बात करें तो पंजाब बॉर्डर से पहले जितने भी साथ लगते जो रोड थे रूट डायवर्जन का भी कुछ भी ऐसा नहीं किया गया है। उनको भी बैरिकेडिंग से बंद कर दिया है। और अगर बात करें तो वहां पर गग्गर नदी पड़ती है जहां पर नदी से लोग ना निकले किसान, उसके लिए भी नदी में पोकलाइन के थ्रू गहराई कर दी गई है कि नदी के थ्रू भी कोई भी आगे ना जा सके। और रूट डायवर्जन का भी कोई भी प्लान नहीं है। बताया जा रहा है कि आज धारा 144 जो है लागू कर दी जाएगी। बाकी ताजा अपडेट के लिए मैं दोबारा आपको बताऊंगा। ठीक है राघव, ऐसे में किसानों की क्या क्या ऐसी मांगे हैं जिन्हें लेकर सरकार को लेकर मांग भी सौंपी है, क्या वो मांगे हैं जिन्हें लेकर दिल्ली कूच कर रहे हैं किसान? सर, किसानों ने कहा है कि हम अच्छा वादा खिलाफी हुई है। एमएसपी की बात अगर करें और अगर बात करें गुरनाम सिंह चरोनी की तो वो भी कल स्पष्ट कर चुके हैं कि ना तो हमें किसी तरह का कोई न्योता है और ना ही हम इसमें भाग लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए राघव। अब ऐसे में अब किसानों की तरफ से दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया गया है और एक बार फिर से दिल्ली कूच के ऐलान के बाद प्रशासन पूरे तरीके से हरकत में है, पूरे तरीके से सतर्क हो चुका है।